हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में आप लोग लाई हूँ दो हेयर स्टाइल जो आप इस दिवाली कैरी करके बहुत ही स्टाइलिश लुक क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर द फर्स्ट वन, आपको निकाला मिडिल पार्टीशन। अब आपने नेल्स की हेल्प से अपने बालों को जिगजैग वे में पार्टीशन कर लीजिए। इसके बाद हम एक एक लेयर लेंगे कुछ इस तरीके से, दोनों साइड से लेनी है हमें एक एक लेयर। अब इन बालों को थोड़ा सा स्मूथ करेंगे, उसके बाद बैक कॉम की हेल्प से इन्हें टीस करेंगे और थोड़ा सा वॉल्यूम देने की कोशिश करेंगे। वापस से उसे स्मूथ करेंगे और एक से दो बार ट्विस्ट करते हुए ऊपर की तरफ पुश करके उसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर लेंगे। सिक्योर करने के बाद आप अपना पार्टीशन थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए और जहाँ पे भी आपको वॉल्यूम कम लग रहा है या अनइवन लग रहा है उसे सही कर लीजिए। अब हम साइड से थोड़े से बालों को ग्रैप करेंगे आगे की तरफ से। यहाँ पे मैं थोड़े से स्ट्रैंड निकाल रही हूँ। अब इन बालों को तीन इक्वल सेक्शन में डिवाइड करना है और एक सिंपल सी ब्रेड बना लेनी है। नॉर्मल रेगुलर ब्रेड जो हम बनाते हैं हमें वो बना लेनी है। यहाँ पे आप कोई भी ब्रेड बना सकते हैं। तो ब्रेड बन जाने के बाद हमने जहाँ पे पफ हमारा खत्म हो रहा है उसी के नीचे से ले जाते हुए बैक साइड पे उसे पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। और इसी तरह हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। तो ये है आपका फाइनल लुक। आपको ये लुक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर हिट कर दीजिए। सेकेंड लुक के लिए हमें निकालना है साइड पार्टीशन। हम आगे के बालों को साइड में कर लेंगे। अब पार्टीशन में हमारे बाल जिधर कम आ रहे हैं हम सारे बालों को उधर लाएंगे और बना लेंगे एक पोनीटेल। अब पोनीटेल में गैप करना है सेंटर पे और अपनी पोनीटेल को उसके अंदर से निकाल लेना है कुछ इस तरीके से। इसे आप थोड़ा सा लूज कर लीजिए जिससे बीच का गैप खत्म हो जाए। अब बालों को डिवाइड करेंगे दो इक्वल सेक्शन में और बना लेंगे फिश टेल ब्रेड। यहाँ पे आप कोई भी ब्रेड बना सकते हैं, फिश टेल ब्रेड बनाने से लुक थोड़ा अच्छा आएगा। तो फिश टेल बनाने का स्टेप मैं अब स्किप कर रही हूँ बिकॉज बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो ब्रेड बन गई है, अब आप इसे एज अ हेडबैंड की तरह लगाएंगे। मेरे बाल लंबे हैं तो ये मेरा पूरा हेड कवर कर रहा है तो मैं इसे पीछे से ले जाते हुए बैक साइड पे पिन अप कर लूंगी। अगर आपके बाल छोटे हैं तो आप जहाँ पे भी बाल खत्म हो रहे हैं वहाँ पे आप पिन से उसे सिक्योर कर लीजिए और ऊपर की साइड भी आप अपने हेडबैंड को सिक्योर कर लीजिए जिससे वो इधर उधर ना हो। अब ये उन लोगों के लिए स्टेप है जिनके बाल छोटे हैं और साइड में उनकी पिन दिख रही है। तो आप इस तरीके से जो आगे बाल साइड किए थे उन्हें ट्विस्ट करेंगे और अपनी पिन या रबर बैंड जो भी है उसे हाइड कर लेंगे उसकी हेल्प से। बाकी के बचे हुए बाल आप कर्ल कर लीजिए। तो ये है आपका फाइनल लुक। मैंने बालों को कर्ल कर लिया है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन को जरूर हिट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को
और आपका फेवरेट लुक कौन सा है कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा. सो गाइस सी यू सून, टिल देन स्टे हैप्पी स्टे स्टाइलिश, बाय बाय.